नाजरीन आदाब, अक्सर परवाज में आपका इस्तकबाल। मैं हूँ आपके साथ हयावानी, और डालते हैं जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन खबरों पर एक नज़र। महकमे खारजा की जानिब से अमरीकी कांग्रेस को पेश की गई रिपोर्ट में गर्जी मजमू तौर पर भारत और इंसानी हकूक पर तशवीश का इजहार किया गया है। ताहम इस रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर के हालात में बेहतरी का भी जिक्र किया गया है। पीडीपी सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती का इल्जाम है कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में आइन हिंद के साथ बार बार छेड़छाड़ की जा रही है। महबूबा मुफ्ती ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट पैगाम में इन बातों का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अब यहां पर सिर्फ यहां के लोगों के लिए अदलिया ही एक वाहिद सहारा है। पाकिस्तान काबिने ने बुध के रोज भारत के साथ तिजारती ताल्लुकात की बहाली को मंजूरी दे दी है। जैसे भारत के साथ ताल्लुकात के बहाली के पेश नजर एक बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में गुजशत 24 घंटों के दौरान 377 ताजा कोरोना केसेस पाए गए हैं, और इस तरह से कोरोना मुतासरीन की तादाद 1,30,960 हो गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर के निजी होटल मालिकान से हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मुहतात रहने और इन अफराद की हिफाजत पर मामूर एहलकारों को मुस्तैदी रहने की तलकीन की है। सुबह कश्मीर के जिला बडगाम में पुलिस ने लश्कर तैयबा के दो मावनैन को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से कुछ धमाका खेज मवाद भी बरामद करने का दावा किया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि कश्मीर में 3 अप्रैल तक मौसम खुशगवार रहेगा, ताहम 4 अप्रैल से मौसम में तब्दीली आ सकती है और बारिश का सिलसिला शुरू होगा। जम्मू कश्मीर के सरहदी जिला रामबन में फौजी हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग की इतला मौसूम हुई है। नाज़रीन, ये थी अभी की सुर्खियां। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत, और आप बने रहें अक्सर।